इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डीटीएफटी। इसके साथ हम एक एग्जांपल भी करेंगे। पहले समझते हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती क्या। देखो ये बिल्कुल अपोजिट है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के। अब कैसे अपोजिट है ये देखते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई दो सिग्नल है, पहला एक्सपोनेंट है, उसका डीटीएफटी आता है एक्स वन ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। एक दूसरा सिग्नल है मेरे पास टाइम डोमेन में और मैं उसका डीटीएफटी करता हूं, उसका भी कितना आता एक्स टू ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर दूं इन दोनों सिग्नल का, एक्स वन का कन्वोल्यूशन कर दूं एक्स टू के साथ, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा, उनके जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डोमेन के ट्रांसफॉर्म है उनका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। ठीक, तो यहां पे एक मैंने सिग्नल लिया एक्स एन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन और एच एन बराबर साइन पाई एन बाई थ्री पाई एन। एक जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया वाई एन इक्वल टू एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दोनों वो है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स वन का ट्रांसफॉर्म चाहिए, फिर एक्स टू चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे उनके पास जो टोटल सिग्नल बना वो पता लग जाएगा। उसके बाद क्या ले लेंगे, उसका इनवर्स ले लेंगे पता करने के लिए वाई एन कितना होगा। ठीक है, तो पहले एक्स एन की तरफ बात करते हैं। तो एक्स एन जो दे रखा हमें कितना दे रखा, माइनस वन की पावर एन। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, e की पावर माइनस जे पाई एन। ये बिल्कुल वही है। कैसे है वही, मैं एक बार दिखा देता हूं क्या है। ये इसको मैं ओपन करूंगा कितना आएगा, कोस पाई एन माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, जे साइन पाई एन। साइन के साथ पाई आएगा तो वो तो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, एन क्योंकि एक इंटीजर है। कोस पाई की वैल्यू कितना रहती है, माइनस वन की पावर एन। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस जे पाई एन। अब मैं इसको क्यों लिखा इसे, ताकि मैं क्या करूँ, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दूंगा इसकी हेल्प से मैं। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xn, अगर सॉरी xn है, उसका जो हमारा DTFT x of e की पावर j ओमेगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर मैं इसमें e की पावर j ओमेगा नॉट n का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, प्लस ओमेगा। ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देते थे, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। कैसे, देखो हमें पता है वन का डीटीएफटी कितना होता है, वन का डीटीएफटी कितना होता है, वो होता है, सभी को याद होगा क्योंकि मैंने इंपोर्टेंट कहा था उसको याद करने के लिए, 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई के, सबको पता है। ठीक, इसका इंटरवल 1 होता। अगर ये बात है यहां तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर e की पावर माइनस जे ओमेगा नोट, यानी e की पावर जे पाई से e की पावर माइनस जे पाई एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर क्या होगा, ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, ओमेगा नोट कितना हो जाएगा मेरा पाई। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मल्टीप्लाई करूं मैं एक्स ऑफ एन में, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूं मैं, तो इधर डीटीएफटी में क्या फर्क आएगा, ओमेगा को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट से, तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पाई। ठीक है, तो ई की पावर यानी माइनस वन का जो मुझे माइनस वन की पावर एन का डीटीएफटी कितना आ गया, अब मैं इसको माइनस वन की पावर एन कह सकता हूँ।
ठीक है, जिसका मिल गया आप उसे ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो। तो माइनस वन की पावर एन का डी टी एफ टी कितना आ गया, समीशन के कस टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी टू पाई डेल्टा ओमेगा प्लस पाई माइनस टू पाई के। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, एच एन साइन पाई एन बाई थ्री पाई एन। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था मॉड्यूलेशन में, साइन पाई एन अपॉन थ्री अपॉन एच एन, इसका डी टी एफ टी सबको पता है, होना भी चाहिए। ठीक है, क्या होता था इसका डी टी एफ टी, अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं या उसमें ग्राफ बना देता हूं ताकि ज्यादा समझ आए, केवल एक इंटरवल पे बनाते थे, वहां पे हम पढ़ते थे साइन ओमेगा सी एन अपॉन पाई एन। एक बार मैं दिखा देता हूं दोबारा से, कहां पे किया था हमने, ये लिखा हुआ साइन ओमेगा सी अपॉन पाई एन का डी टी एफ टी कितना था, माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में एक इंपल्स एग्जिट करती थी, और ये किसके बीच में होता था, माइनस पाई के पाई के बीच में, केवल हम एक इंपल्स लेते थे क्योंकि डी टी एफ टी का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो टू पाई के बाद रिपीट करता। तो हमारे इसमें सेम सिग्नल दिख रहा, डिनोमीटर में तो पाई एन ही है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे ओमेगा सी है, तो यहाँ पे ओमेगा सी की जगह कितना है पाई बाय थ्री। तो इसका मतलब ये जो पल्स एग्जिट करेगी वो कहां से कहां तक बीच में मिलेगी हमें, माइनस पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री के बीच में, क्योंकि माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी के बीच में ये एग्जिट करती है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वन दिया हुआ, ठीक है, वन कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है ना बाहर साइन के, तो वन लेंगे। और ये किसके बीच में, एक इंटरवल, केवल एक इंटरवल के बीच बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही टू पाई के बाद रिपीट हो रहे होंगे, मैं ये क्या क्या थक गया हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा ओमेगा, यानी, और ये किसका आ गया, एच ऑफ ई की पावर जी ओमेगा। अब देखो मुझे दोनों का ट्रांसफॉर्म पता चल चुका है, तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन इजिकल्स टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, अब टाइम डोमेन में तो कन्वोल्यूशन करूंगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। तो बहुत ही ध्यान से करते हैं आराम से, एक एक स्टेप के साथ, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था माइनस वन की एन का कन्वोल्यूशन करूं मैं साइन पाई बाय थ्री एन अपॉन पाई एन के साथ, क्या आएगा आंसर देखते हैं। दोनों के ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले वाले का ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ऐसी ना हो। ठीक है, दोनों का बस एक एक ही इंटरवल पर बात करेंगे, माइनस पाई से पाई के बीच में, या कोई भी एक, इसका माइनस पाई से पाई के बीच में, तो पहले वाले का माइनस पाई से पाई के बीच में तक ही लाएंगे। ठीक है, ये ओमेगा और ये कितना एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, क्योंकि वो एक्स एन था, एक्स ऑफ एन का कितना जाएगी। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसका हर एक जो इम्पल्स है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, टू पाई। अब उसकी पोजीशन भी निकाल लेते हैं, पोजीशन निकालने के लिए देखो मैं बहुत ध्यान से बताता हूँ हर एक पॉइंट को निकालना कैसे। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसमें क्या करना, के की वैल्यू लिखते आना, पहले के इक्वल टू जीरो लिखो, के इक्वल टू जीरो लगाओ, और क्या करना, इसको पोजीशन पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे देखो हर एक इम्पल्स की पोजीशन निकाल के दिखाऊंगा। तो ओमेगा प्लस, सबसे पहले क्या करेंगे, के इक्वल टू जीरो लगाएंगे, तो 2 पाई माइनस 2 पाई इंटू जीरो, इक्वल टू जीरो, क्यों, पोजीशन पता लगाने के लिए। तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस पाई, यानी इसका मतलब क्या आ गया, जब मैं k इक्वल टू जीरो लगाता हूँ तो इंपल्स की पोजीशन किस पे होगी, माइनस पाई पे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है, टू पाई। तो इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, तो माइनस पाई पे है ये, माइनस पाई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक टू पाई इसकी मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, आई सबको यहां तक बात समझ, कैसे मैंने पोजीशन निकाली,
अगेन अब क्या के इक्वल टू वन लगा दो, अगर मैं k इक्वल टू वन लगाता हूं तो तब क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा प्लस पाई माइनस टू पाई k की जगह वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा पाई माइनस टू पाई, कितना बचेगा माइनस का पाई, यानी ओमेगा बराबर पाई। तो ओमेगा पाई पे मिल चुकी है मुझे। अगेन सबका सब जितने भी इंपल्स आएंगे सबका टू पाई रहने वाला है क्योंकि बाहर है सबके, कितने पे मिला पाई पे। अब देखो मुझे माइनस पाई के बीच में मिल चुकी है चीज, अब आगे मुझे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, रख सकते हैं लेकिन कुछ वैल्यू ऐसा आते चले जाएंगे वैल्यू, उनका लेने का फायदा क्या, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है माइनस पाई के बीच में पहला वाला, ठीक है, और ये भी आ चुका है, केवल एक ही इंटरवल के बीच में बात करते हैं उसके, जो भी सिग्नल पीरियडिक होता है ना उसका केवल एक ही पीरियड पर बात करते हैं, क्योंकि बाकी ये चीजें उसी पीरियड के बाद रिपीट कर रही होती हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो बस यहीं पर रुक जाएंगे, अब क्या करते हैं आगे वाली चीज करते हैं। दूसरा आया तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके साथ बस इसका मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे इसका मल्टीप्लाई, बीच में लगा दिया मैंने निशान, ऊपर वाला उतार लो इसे, ये कितना आ गया मेरा ओमेगा एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, ठीक है। तो ये कहां कहां के बीच में, माइनस पाई इसका होगा वन, ये माइनस पाई बाय थ्री और पाई के बीच में, ठीक है, ऐसे रिपीट हो रहा होगा, इसका भी रिपीट हो रहा होगा। अब क्या करना, जो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन है उसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आसान होता है ग्राफ में, देखो बहुत ही ध्यान से करना, मैं इसका जो रिजल्ट आएगा पहले इस वाली चीज को लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली, माइनस वन की पावर एन। देखो कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, अब इसका मैं रिजल्टेंट बनाता हूं, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जो एक इंटरवल के बाद आएगा वही चीज फाइनल में आएगा, ठीक है। ये कितना मेरा वाई ऑफ ई की पावर जी ओमेगा, ये ओमेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखो माइनस पाई पे इसकी वैल्यू है टू पाई और माइनस पाई पे इसकी वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब जीरो की पाई जीरो की y की वैल्यू होती है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस पाई पे, पहले माइनस पाई यहाँ लिखा पोजीशन बताने के लिए, अब क्या करेंगे उनकी जो y वैल्यू उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू टू पाई है और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आने वाला जीरो, ठीक है। अब देखो बीच में कोई है ही नहीं, यहाँ तक बीच में कोई नहीं है इसके, जब बीच में कोई नहीं है सब जगह जीरो, तो बीच में इसके अब हो या ना हो दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बीच में जब ये जीरो तो आगे वाला ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पाइप है, तो पाइप पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू टू पाई है, अगेन इसकी वैल्यू जीरो, यहाँ पे पाइप पे क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, यानी एक इंटरवल में मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो यानी वाई ऑफ ई की पावर जे ओमेगा कितना आ गया मेरा जीरो, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ये क्या सारी वैल्यू जीरो हो गई ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से y of e की पावर j ओमेगा मुझे मिला, y of e की पावर j ओमेगा जो मिला मुझे कितना मिला जीरो मिला, इसका जीरो का DTFT लेंगे तो कितना आ जाएगा y of n कितना आ गया, इसका DTFT लिया तो जीरो आएगा, जीरो का इनवर्स लो तो जीरो आने वाला, तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो सिग्नल, देखो आंसर जीरो आ सकता है इसमें, कोई कह रहे होंगे कि इतना मोटा काम किया और आंसर जीरो आया बाद में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये कंपटीशन में ज्यादातर चीज आती है, कंपटीशन में आया कहीं पर आया कंसेप्ट सीखना हमारा मकसद है। तो यहां से हमने जब माइनस वन की पावर एन साइन पाई बाय थ्री एन अपॉन पाई एन का कन्वोल्यूशन किया था, तो इसका DTFT जो आया वो कितना आया जीरो आया, आया जीरो आया, तो इसे कैसे लिखेंगे, या तो इस लिख लो जीरो इंटू डेल्टा एन, ठीक है, सिग्नल की उसमें, या केवल जीरो लिख लो, दोनों तरीके से ठीक है,
इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, चाहे जीरो लिख लो, अगर लिख नहीं है तो ऐसा जीरो इंटू डेल्टा एन लिख दो फिलहाल, चलो जीरो ठीक है। तो हमारे माइनस वन की पावर एन साइन पाई बाई थ्री थ्री एन पाई एन का डी टी एफ टी अगर मैं कन्वोल्यूशन करता हूं तो इसका डी टी एफ टी क्या आने वाला है, जीरो। देखो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ आएगा किस तरह से ये काम कर सकता करता है। इसी तरह से तो कोई भी वो सिग्नल दे देगा, आंसर कुछ भी आ जाएगा, बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अच्छा एक सिग्नल एक इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, दो इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, तो हमें पीरियोडिक है तो जो भी पूरे सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं कहीं पे पढ़ते हैं पीरियोडिक के बारे में, केवल एक पीरियड पे बात करो, बाकी का देखने तुम्हें जरूरत ही नहीं है। एक पीरियड के बारे में तुमने उसकी उसका आंसर निकाल लिया, वही आंसर उसी जितना भी उसका उस सिग्नल का या जो भी वो चीज है उसका इंटरवल होगा उस इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रही होगी, यही होता है पीरियोडिक का मतलब, और यही फायदा भी होता है पीरियोडिक का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, मुझे लगता है मैंने काफी अच्छे से समझाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके थैंक यू।